हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू उमैर वर्ल्ड। मेरा नाम है जी उमैर और आप देख रहे हैं उमैर वर्ल्ड चैनल। और मेरी तरफ से सब दोस्तों को ईद मुबारक। और बिश्केक में ईद गुजारी जा रही है जी, फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई थिंक, क्योंकि ईद जो है वो तो अपने कंट्री की होती है, लेकिन वक्त जैसा भी हो इसको इंजॉय करना चाहिए, ताकि ये वक्त भी सदा नहीं रहने वाला और ऐसी ईदें हमने दोबारा नहीं देखनी है इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। तो इसीलिए जो है हर हाल में इंसान को मुस्कुराना ही चाहिए मेरे ख्याल में, तो उसी से ही कोई हल निकलता है, वैसे तो कोई नहीं होता। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का इस वक्त पर्पज़ ये था कि जो लोग भी वाया किर्गिस्तान, रशिया की किसी भी रियासत से, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, जो भी इस कंट्री के थ्रू सऊदी अरब जाने वाले दोस्त हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि यार आप इधर आएँ और ज़्यादा डिपेंड ना करें एजेंट्स के ऊपर, क्योंकि एजेंट्स जो बोलते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और जैसे कि मैं खुद का ही थोड़ा सा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इतने दिन यहाँ रहने के बाद, वो ये था कि अभी मैं इशारा क्रॉस कर रहा हूँ, तो बात ये थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि एजेंट्स जो हैं उन्होंने हमारी गालबन 7000 रियाल में बात हुई थी कि वो हमें सऊदी अरब पहुँचाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार और लगाना पड़ा हमें, तकरीबन ये 14-15 हज़ार के राउंड अबाउट बजट हमारा बन गया है। तो एजेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद की पाकड़ का हिसाब लगा के आएँ, और बेहतर यही है कि जब तक फ़्लाइटें नहीं ओपन होती तब तक जो है आप वेट करें, यही सबके लिए बेहतर है। और हम लोग तो जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग पहुँचें और तब हम भी ट्राई करें और हम भी उस कंट्री के थ्रू जाएँ, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ ना देखें, हमने तो रिस्क लिया ही लिया है, आप ना लें। तो सब दोस्त जो हैं केएफसी जा रहे हैं, तो केएफसी में खाना वाना खाएंगे, क्योंकि एजेंट्स ने तो हमें ईद वाले दिन पूछा ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 3-स्टार होटल की बात करके एक स्टूडेंट्स के हॉस्टल में हमें स्टे करवाया 15 दिन के लिए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वीडियो में बताना, मतलब मैं बेहतर नहीं समझता, बंदा वैसे ही चीप लगता है, क्योंकि ये एजेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा घिरे हुए इंसान होते हैं, चीप इंसान होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो बंदा वीडियो में भी बताने में शर्म आती है। खाने वाने का उन्होंने बोला था, वो भी नहीं, तकरीबन 15 दिन खुद की जेब से ही हमने खर्चा किया है। तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो काइंडली अवॉइड करें। और सुभाष पाल तो उनसे दिखा रहा है, सुभाष पाल हाय, ये नहीं है। और हम हैं सुभाष अठवाल, हम है तो क्या काम है, नहीं थे हम है तो क्या काम है। अभी तो वैसे केएफसी जा रहे हैं, तो मैं खाने की वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मैसेज देने के लिए कि हम लोग अपनी ईद भी जो है वो केएफसी में सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे दोस्त मिलके, और चलें एंजॉय करें वीडियो। और ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। और ये है जी पीछे सुभाष अठवाल, ईद मुबारक सब दोस्तों को, बिल्कुल। यहाँ पे ईद तो मतलब अचानक ही आ गई, हमारा प्लान तो 18 को था, टिकट्स ना होने की वजह से, कुछ दुबई की फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से हम लोग लेट हो गए अभी। तो अभी जो है
हमें ईद यहाँ पे करनी पड़ी और बहुत सारी बातें जो हैं वो करनी चाहिए भी और नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे आए थे तकरीबन 6 से 7 हज़ार के बजट में रियाल के, और जो हमारी बात हुई थी एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से, लेकिन उनके यहाँ आने के बाद कुछ फ्लाइट कैंसिल हुई, कुछ उनका, और पहले तो क्वारंटाइन वाला वो 50% चांस था सऊदी अरब में भी क्वारंटाइन करने का, तो यहाँ से हमें क्वारंटाइन जो है वो भी करना पड़ेगा अभी सऊदी अरब जाके, और ऑलरेडी 14 डेज जो है वो ग्रीन जोन में हम लोग रह चुके हैं, सो यहाँ से अभी हम लोग सऊदी अरब में भी जाके 7 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। सो एजेंट्स की बातों पे ज़्यादा फोकस मत करें और अपने बजट का हिसाब रखें, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे साथ जो लोग आए थे उनके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसे कह लें कि पूरे पूरे पैसे दे के आए थे, और जब उनको इधर आके फिर खर्चा करना पड़ा और पीछे से पैसे मंगवाने पड़े, बड़ा लंबा चौड़ा वो परेशान रहे हैं बहुत सारे दोस्त। तो खुदा रहा ऐसे ना करें, एजेंटों की बातों में ना आए, अगर किसी का वीज़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई और मसले मसाइल है, क्योंकि जितने भी लोग दूसरे कंट्री से वाया आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान का तो आप सुन ही चुके हैं उनके साथ क्या हुआ था। आई डोंट नो मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाके फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, तो आज की जनाब ईद जो है वो सड़कों पे ही गुजर रही है, तो एजेंटों ने गुस्सा तो बहुत चढ़ाया हमें, लेकिन क्या करें यार, फंस गए हैं अभी, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये वही बात आ जाती है, मुजम्मल भाई के एक दोस्त ने बोला कि यार आप किधर जा रहे हो, तो बोला यार हम वाया जो है वो एक एजेंट के थ्रू किर्गिस्तान से जा रहे हैं। तो उस दोस्त ने पता क्या कहा कि यार आप जाओ, ये 15 दिन आपको सारी ज़िंदगी याद रहने वाले हैं। तो वही बात है, चलो इंजॉय तो किया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, लेकिन कुछ एजेंट्स की बातों में आके जो हम लोग जलील हुए हैं, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है कि आप ना हो, खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है वो आप लोगों को बचाया जा रहा है कि यार आप अवॉइड करें, वेट करें, जब फ्लाइटें खुलें तब आएँ। तो बाकी कोई मसला नहीं है, कंट्री बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, लोग बहुत अच्छे हैं, और ठंडा एरिया है। अभी टेम्परेचर जो है वो 24-25 है या 26 होगा मैक्सिमम, जितना भी आप लगा लें अंदाज़ा नॉर्मली है, पसीना वगैरह नहीं आता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इतना टेम्परेचर है कि गर्मी मतलब इतनी है, कोई 25-26 टेम्परेचर है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर सर्दी होती है, बहुत ही ठंडा इलाका है ये। और फिर भी जो एज ए विज़िटर आना चाहते हैं उनके लिए ये कंट्री बहुत अच्छा है। सो इंजॉय करें वीडियो, मज़े मज़े की वीडियो देखते रहें, और ये ईद व्लॉग जो है वो सबके लिए, जो सऊदी अरब हैं और जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भी था। और इंजॉय करें वीडियो, बाय बाय, मस्सलाम।